सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ रतलाम से दिल्ली। रतलाम मेरा होम टाउन है, दिल्ली में रहता हूँ बिकॉज ऑफ माय वर्क। तो मैं जा रहा हूँ टाटा सफारी से एंड ये ऑलमोस्ट 835 किलोमीटर के आसपास होने वाला है एंड मैं सिंगल टेक में करने वाला हूँ ये कम्प्लीट जर्नी। तो चलिए फटाफट से मैं लाइक नीचे जाता हूँ, लगेज कैरी कर लेता हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग है, दैट्स व्हाई मैं अभी स्लो बात कर रहा हूँ बिकॉज घर में सब लोग सो रहे हैं। और लगेज रखने के बाद मैं कार में आप लोगों से मैं डायरेक्ट मिलता हूँ। और मैं अकेले जा रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों को इसके अंदर शामिल कर लिया है कि आप लोग मेरे साथ में ट्रैवल करो और जो जो चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ आप लोगों को भी एक्सप्लोर करवाते रहूँगा। कार में मिलता है। सो अभी जो है ट्रेन निकली है यहाँ से और ऑडोमीटर पर रीडिंग जो है मैं आप लोगों को वापस एक बार दिखा देता हूँ। 21,100 जो रीडिंग है वो यहाँ पर ये शो कर रहा है ऑडोमीटर। मैं घर से जब निकला था तब रीडिंग थी 21,090 और अभी जो है मैं दिल्ली जाते जाते कितने किलोमीटर्स कवर कर लेता हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऑलमोस्ट 8,850 किलोमीटर के आसपास का जो है वो मेरी जर्नी होने वाली है। लेट इट बी, देखते हैं। फिलहाल जो है मैं शायद रास्ता रोक रहा हूँ। सुबह सुबह 7:30 बज गए हैं मेरे को निकलते निकलते। वैसे तो मैं जल्दी उड़ गया था, तब अंधेरा था, अभी तो सनराइज़ हो चुका है मेरे सामने। अरे गाड़ी एक्चुअली खाली है और पीछे मेरा लगेज पड़ा हुआ है और उसमें हेलमेट वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी जो है लूज़ पैकेजिंग में है तो बच जाती है। जैसे ही अगर गाड़ी कहीं पोर्टल्स वगैरह पे से या बम्पर से ये स्पीड ब्रेकर से निकलती है तो अभी चलते हैं। सबसे पहले तो मैं अभी जो सिजाउदा बाईपास पे हैं जहाँ पर जावरा के लिए मेरे को टर्न लेना है। जावरा, मंदसौर, नीमच, निम्बाहेड़ा, भिलवाड़ा, ये कोटा, ये वाला जो हाईवे है ये वाला मैंने रूट लिया है। मैप आप लोगों को स्क्रीन पर दिख जाएगा। रोड जो है वो यहाँ से कटा है तो ये आप देख सकते हो। ये रहा अपना रतलाम पीछे और इधर आ गए हैं अपन जावरा मंदसौर हाईवे पे। वो कटा हुआ बोर्ड जो है वो वहाँ पर दिख रहा है। सो हियर वी गो। फ्यूल अभी मेरे पास में 40% है, एक बार डलवाऊंगा और दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो माइलेज टेस्ट जो है वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा हो गया है बिकॉज सीन ये है कि मैंने इसके अंदर कम से कम 7-8 बार फ्यूल टैंक जो है वो फुल करवाया, अलग अलग टेरेन पे चलाया है, 4-5 लोगों को बिठा के, पूरा लगेज के साथ में, 2 लोगों के साथ में, सोलो, ख़राब रास्ते में। और अभी जब मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ तो अकेले जा रहा हूँ मेरे खुद के पर्सनल सामान के साथ में, तो कितना माइलेज कैसे कैसे मोड्स पे अलग अलग देती है वो सभी चीज़ें मैं टेस्ट कर रहा हूँ। और इसके ऊपर भी एक डेप्थ में जो है वो माइलेज टेस्ट आने वाला है। लाइक इतना डेप्थ माइलेज टेस्ट मैंने आज तक किसी गाड़ी का नहीं करा है और ना ही इतना डेप्थ रिव्यू मैंने आज तक किसी गाड़ी का करा है जितना सफारी का जो है आप लोगों को मिलने वाला है। तो मेक श्योर नीचे कॉमेंट्स कर दो कि आप लोग रिव्यू के अंदर क्या क्या कवर करवाना चाहते हो। माई पॉसिबल 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं बोल सकता, बट 99.9% सारी चीज़ें मैं कवर कर दूंगा। बट पॉइंट इन केस 0.1% अगर मेरे से कुछ छूट जाता है तो दैट्स वाई आप कमेंट कर दो। तो कमेंट करने पे क्या होगा कि अगर कोई चीज़ छूट रही है तो वो भी रिव्यू के अंदर कवर हो जाएगा। मैं दिल्ली जाने के बाद में ही वापस से इसका जो ड्राइव वाला पोर्शन है वो शूट करूंगा। वॉक अराउंड जो है वो मैंने कर लिया है। तो चलिए अब आप लोग कमेंट्स करिए और मैं ये इफ्का फैक्ट्री, जिन लोगों को पता है जो कि अमिताभ बच्चन की फैक्ट्री है, उसको क्रॉस करके निकल चुका हूँ यहाँ से। बहुत ही ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री है वो और आई डोंट नो कि यहाँ पर आज तक कभी अमिताभ बच्चन जी जो है वो आए हैं। तो फिलहाल जो है चलते हैं, जहाँ पे मैं नाश्ते के लिए रुकूँगा वहाँ पर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो अभी जो है मैं रुका हूँ जोयो कैफ़े पे। ये है जावरा के थोड़ी सा आगे, लाइक थोड़ी देर चलाऊँ मैं, 10 किलोमीटर भी नहीं चलाऊँगा। यहाँ पर मैं बहुत पहले अपने फ्रेंड्स के साथ में मोस्टली आया करता था। तो अभी जो है मैं पोहे खाने के लिए रुका हूँ बिकॉज एमपी में जो है पोहे का नाश्ता सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलता है। अगर आप लोग कभी एमपी नहीं आए हो तो आप लोग जब भी आओ किसी भी होटल पर रुक जाओ, मोस्टली पोहे अच्छे ही मिल जाते हैं आपको। अब बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है मेरे को कि मैं पोहे दिखा रहा हूँ किसी को। तो इसमें मोस्टली ये चावल के बनते हैं, सेव डलती है और प्याज डलते हैं। तो मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा देर पोहे दिखाऊँ क्योंकि मेरे को खाने हैं। इट्स टाइम फॉर चश्मा एंड ये क्लोज करने का बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप हो गई है। अब ये जो सनशेड है ये कितना ज़्यादा यूज़फुल है ये आप लोगों को रिव्यू में देखने के लिए मिलेगा।
सो अभी जो है ये पहला टोल आया है, 44 रुपीस का टोल था ये। अभी तक अपन लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट 61 किलोमीटर्स। रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, ऑलमोस्ट मैं ट्रिपल डिजिट कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, कोई परेशानी जो है वो नहीं आ रही है और गाड़ी जो है वो बिल्कुल चिपक के चलती है। आ जाओ भैया रॉन्ग साइड आ जाओ, 2-4 किलोमीटर का वो रास्ता बचाने के लिए लोग रॉन्ग साइड आ जाते हैं यहाँ पर। और अपना जो है वो दूसरा टोल जो है वो आ गया है 22,198 किलोमीटर जो है वो चल गई है। और इस टोल पे हम आ गए हैं जहाँ पर ओके कितने रुपए कटने हैं दैट आई डोंट नो, वो तो वहीं पर स्क्रीन पे पता चल जाएगा। ओके टोल बहुत सारे हैं एमपी और राजस्थान में, 45 रुपीज जो हैं वो कट गए हैं हमारे अकाउंट से। और गाड़ी कितनी चल गई वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैं पिछले 5 किलोमीटर से पीछा कर रहा हूँ इस बलेनो का, जो कि लेफ्ट का इंडिकेटर देके कंटिन्यूसली चले जा रही है। और नंबर प्लेट तो इस पे है नहीं, तो इंडिकेटर जो है वो आप यूज़ करते रहो और इंडिकेटर को वापस से बंद भी करो। लाइक इसके अंदर दो ऑप्शन रहते हैं, लाइक एक तो पूरा इंडिकेटर कंप्लीट देना, एक टर्न के लिए आप थोड़ा सा इंडिकेटर जो है वो दे सकते हैं। तो दोनों में से जो भी अगर आप यूज़ करो वापस से मेक श्योर कि वो इंडिकेटर जो है वो बंद हो गया है। सो ये आया है अभी राजस्थान का पहला टोल, 28 रुपीस, 22,257 किलोमीटर जो है वो ऑडोमीटर पे आ गए हैं। और लगभग मैंने जो है 170 किलोमीटर 160 या 170 किलोमीटर के आसपास जो है वो कार चला ली है। अभी जो है वो 40-50 किलोमीटर चलाने के बाद में फ्यूल अप करवाएंगे, बिकॉज अभी इसके अंदर जो है फ्यूल बिल्कुल नहीं बचा है, फ्यूल लाइट जो है वो ऑन हो गई है। उदयपुर 117, चित्तौड़ 44, कोटा 229, अजमेर जयपुर 394। ओके ये क्या मजाक चल रहा है यार, 5 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल कैसे हो सकता है। ये देखो 264 जो है किलोमीटर जो है अपन कवर करके आए अभी, और एक और टोल आ गया है। देखो जी ज़रा देखो, और यहाँ पर तो डिस्प्ले भी नहीं है कि कितना कटेगा विदाउट डिस्प्ले। सो अभी फाइनली जो है वो गाड़ी में मैंने फ्यूल अप करवा दिया है और 22,286 किलोमीटर पे जो है फ्यूल अप करवाया है। एंड टायर प्रेशर जो है वो भी चेक करवा लिया है, मैंने भी वॉशरूम यहाँ पर यूज़ कर लिया, ज़्यादा अच्छा था नहीं, HP का पेट्रोल पम्प है। और अब डायरेक्ट चलते हैं यहाँ से दिल्ली जयपुर होते हुए, जयपुर में थोड़ा सा काम है वो निपटाना है मेरे को, वो निपटा लेता हूँ, दैट्स ऑल। और बीच में कुछ ना कुछ खाएंगे, थोड़ी देर ब्रेक लेते रहेंगे, बाकी ऑल सेट। मैंने रात में अच्छी तो नहीं बट 5-6 घंटे की ही नींद निकाली थी, बिकॉज मेरा कंटिन्यूसली ट्रैवल चल रहा है। और कल भी जो है मैं 700 किलोमीटर कार चला के आया था, लगभग 650-700 के आसपास, तो अप्रोक्स 700 किलोमीटर जो है वो मैंने बोल दिए हैं। तो अब चलिए चला जाए, बाय बाय पेट्रोल पंप, पार्किंग ब्रेक रिलीज्ड एंड हियर वी गो। कार जब भी आप रोड पे लो ना तो फिर फटाक से आप स्पीड कम से कम अपनी 80-90 के आसपास कर लो पीछे देख के, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे कार की स्पीड बढ़ाओगे माइट पॉसिबल पीछे से कोई फास्ट आ रहा है तो उनको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए थोड़ा सा जो है ध्यान रखो कि लोगों को किसी को आप जो है उसकी स्पीड लिमिट जो है वो ब्रेक नहीं करवाओ या किसी को हर्ट नहीं कर दो। और कार जैसे ये चलना स्टार्ट होती है ना, लाइक ये फ्यूल जो है वो बताती है 8 किलोमीटर पर लीटर के आसपास, यहाँ पे 0-0 हो जाता है एक्चुअली जब आप रिसेट करते हो, तो 8 से जो है फिर वो ये बढ़ना स्टार्ट होता है धीरे धीरे, और आप कितना निकाल सकते हो वो उसके अकॉर्डिंगली फिर ये बाद में जो है वो एडजस्ट हो जाता है। In 600 meters, take the ramp to National Highway 27. ये क्या बनाया है, मतलब देखो तो सही, ऊपर जाएगा और उसका वेट भी हो जाएगा ट्रक का और ट्रक निकल जाएगा, बट कार के लिए नीचे से ही काम हो जाएगा।
अभी फ्यूल डलवाने के बाद में मैंने लगभग 30 किलोमीटर के आसपास इसको चला लिया है और 100 की क्रूजिंग स्पीड पे मैं इसको चला रहा हूँ और माइलेज जो है वो 16.4 केएमपीएल के आसपास का मेरे को मिल रहा है, जो कि अपने आप में बड़े ही कमाल का माइलेज है। और देख सकते हो जो एवरेज स्पीड है वो भी 84 किलोमीटर पर आवर जो है वो ये बता रहा है। ये ऐसे रास्ते इतनी बार चेंज करने पड़ रहे हैं ना, लाइक बार बार ये सड़क इतनी ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पर ऐसे नीचे जाना पड़ता है, फिर ट्रक्स के पीछे चलो, ऐसे करके स्पीड जो है वो बार बार टूट रही है। 81 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड निकल रही है, जो कि ऑलमोस्ट 92 किलोमीटर पर आवर की थी। तो वही सीन है, अब 2 घंटे 40 मिनट में मैं 215 किलोमीटर कवर कर पाया हूँ, जिसमें से 150 किलोमीटर तो सही चले हैं, बाकी 50-60 किलोमीटर में मेरी बैंड बच गई है यार। आधा तो स्लो ये ट्रैफिक ट्रक वालों की वजह से हो जाता है, ये हिलते ही नहीं है ना, लेफ्ट में चलते हैं वो हिल रहे हैं ना, राइट में चल रहे हैं वो हिल रहे हैं, कैसे चलाओ। ओके तो राइट में से निकलो, अब यहीं की यहीं टर्न लेते से देखो सारी गाड़ियां इन्होंने खड़ी कर दी यहीं। थोड़ी सी अगर दूर जाके खड़ी करें कहीं पर, मतलब खाली जगह लगाएं, ट्रैफिक जाम नहीं रुकें, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। वहाँ से सब लोग निकल रहे हैं और वहीं गाड़ी खड़ी कर दे रहे हैं आगे जाके, तो वैसे करके ये जो छोटी छोटी इश्यूज़ हैं, मतलब लाइक कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, 1-2 मिनट का फ़र्क पड़ता है, बट सीन ये है ना कि ओवरऑल ये 1-2 मिनट बहुत सारे मिनट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही रीज़न है कि जिनकी वजह से अपने जो नेशनल हाईवेज़ हैं, जो बढ़िया वेल स्ट्रक्चर्ड रोड्स हैं ना, वो स्लो हो जाते हैं, उनकी एवरेज स्पीड जो है वहाँ पर स्लो निकलती है, एंड फिर लाइक ओवरऑल जो अपना जो जर्नी का डिस्टेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। क्या कैसे मजे हमारे? मस्त घूमा शकल चक, सुबह 7 बजे निकले। हाँ फिर रात को दिल्ली, रात को दिल्ली, तो आप भी आर्टिकल वर्टिकल लिखो, गजा मौज ही मौज है। दिक्कत ही नहीं अपने तो क्या है वहाँ, देख के लगता मगर। अरे हाँ हाँ, चढ़ा दो झाड़ पे, चढ़ाओ झाड़ पे चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे दिन है अभी, जी लो तुम 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फिर अंधेरी रात। क्या अभी रास्ते में चलते चलते 3 दिन की 3 डेट्स ब्लॉक हो गई है भाई मेरे, वहाँ जाके सोने का भी टाइम नहीं है, और तेरे को लग रहा है कि वहाँ मस्त जाओ खाओ पे मौज करो। गुड़गांव 236 और दिल्ली 268 और अपना घर जो है वो है 293 किलोमीटर। देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। एक्चुअली क्या है सीन, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे को एक इवेंट भी अटेंड करना है और मेरा माइलेज टेस्ट भी चल रहा है और मेरे को 1-2 लोगों से गुड़गांव में मिलना भी है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो गई है, तो उसके लिए मेरे को फटाफट से पहुँचना है एनी हाउ, जितनी जल्दी मैं पहुँच सकूँ। तो फिर भी मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मेरा जो माइलेज वाला स्कोर है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहे, एंड फिर भी उसके साथ साथ में जो है मैं जल्दी भी पहुँच जाऊँ, तो जैसा भी होता है आप लोगों को मैं अपडेट करता हूँ। फिलहाल जो कंपनी क्लेम करती है उससे ज़्यादा माइलेज जो है वो निकाल रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 437 किलोमीटर जो है वो चल गई है गाड़ी, और क्लेमिंग माइलेज से ऊपर चल रहा है, तो लाइक 437 किलोमीटर चलाने पे इतना कंपनी क्लेम करती है, उससे ज़्यादा अगर मैं माइलेज निकाल रहा हूँ तो डेफिनेटली ये चीज़ आप भी कर सकते हो। कैसे क्या कुछ चीज़ें हैं ये सब चीज़ें डिटेल में आप लोगों को तो माइलेज टेस्ट में पता चलेगा बाकी। तो और जो इवेंट मेरे को अटेंड करना है वो है विंटेज कार का, तो उसकी भी शायद जो है कुछ वीडियोज़ आप लोगों को मिल सकती है, अब वो वहाँ पर जाके मेरे को देखना पड़ेगा। एक्चुअली इनविटेशन तो मेरे पास में 4-5 दिन पहले ही आ गया था, बट मेरा कंफर्म नहीं था कि मैं आज के दिन जो है दिल्ली आऊँगा, तो मैंने उनको कंफर्म नहीं बोला था। अभी वापस कॉल आया उनका तो मैंने हाँ कर दी कि मैं ठीक है मैं आ ही रहा हूँ, रस्ते में हूँ, तो इवेंट जो है वो भी अटेंड कर ही रहूँगा मैं। एंड मेरे जो 2-3 मीडिया फ्रेंड्स हैं वो भी वहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि एक दीपक यादव है MRT व्लॉग से, अमित द्विवेदी है पावर ऑन व्हील्स है, तो लेट्स सी देखते हैं होता है क्या। एंड अभी फ़िलहाल चलते हैं और इस वीडियो को तो मैं ख़त्म कर दूंगा बीच में ही, जब मैं गुड़गांव पहुंचाऊंगा वो इवेंट वाली वीडियो जो है वो आपको आगे मिलने वाली है। लावास्कलू वास रोड दैट इज कॉजिंग अ डिले, यू कैन अवॉइड इट बाय गोइंग बाय नेशनल हाईवे 48 व्हिच सेव्स 5 मिनट्स इफ यू प्रेफर टू स्टे ऑन द करंट रूट टैप नो थैंक्स। बेसिकली यहाँ पर रुक जाना चाहिए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि फास्टैग जो है वो आपका वाला वहाँ पर रीड कर लेता है
और दूसरा जो है सेंस बनाता ही नहीं है। ये जो गोदरेज का पावर पॉकेट है, ये लिटरली जो है बहुत ही ज़्यादा काम का है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, 50 रुपये का है, इसको परचेज़ कर लो। और कुछ गाड़ी के अंदर एक्सेसरीज लगाओ नहीं लगाओ, इसको ज़रूर लगा लो, मज़ा आ जाता है। मतलब लाइक ये लेवेंडर फ्लेवर है, पर्सनली मेरा लेवेंडर बहुत अच्छा है, लाइक मुझे अच्छा लगता है। आप कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हो, ये लिटरली काम करता है। दूसरे कार परफ्यूम काम करे नहीं करे, ये लिटरली काम करता है। इतने सारे यूज़ करें बट इससे ज़्यादा बेस्ट अभी तक किसी ने भी काम नहीं करा है। सो हियर आई एम, चेंज कर लिया मैंने, रेडी हो गया हूँ मैं इवेंट के लिए। अब ये मत पूछना कि कैसे हुआ हूँ, हो गया हूँ बस। अब मैं जा रहा हूँ दीपक को पिक करने, ऑलमोस्ट गुड़गांव यहाँ से 20-30 किलोमीटर ही है, एंड देन चलते हैं इवेंट पे। तो आई डोंट नो कि अब ये वीडियो एंड कहाँ पर करूँ, समझते हैं, चलो फिलहाल चलते हैं यहाँ से। तो ये है सबसे बिजीएस्ट टोल जो कि मानेसर से गुड़गांव को कनेक्ट करता है, यहाँ तक अपने लोग आ गए हैं। अब लेट्स सी, देखते हैं कितनी देर लगती है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा, 5:22 हो रहे हैं, फिर भी 10 घंटे में ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर इज नॉट बैड ना।